सो गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो तुम्हारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये सेक्शन जो है ये तुम्हारे अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं उसमें तुम्हें ना हेल्प करने वाली है। अच्छा, इंग्लिश की सेक्शन है वो क्या? देखो बहुत सारे बच्चे करते बतक हैं कि लाइक एग्ज़ाम्स तो आते हैं, लाइक उनको ग्रामर के रूल्स पता है, ठीक है, उनको कुछ कंसेप्ट, उनको रीडिंग जो है उनकी स्किल्स थोड़ी बहुत ठीक होती हैं, बट उनको दिक्कत कहाँ पे आती है, लाइक कि जब वो वोकैब सेक्शन पे जाते हैं, और आजकल तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स है ना वहाँ पे वोकैब सेक्शन ज़्यादा आती है, तो जब वो वोकैब सेक्शन पे जाते हैं ना तो उन्हें कुछ वर्ड्स का बेसिक तो मतलब पता होता है, बट बड़े सारे वर्ड्स उनको ऐसे दिख जाते हैं जिनका वर्ड का मतलब उनको पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक सेक्शन, तुम्हारे लिए एक मैं वीडियोस अभी ये रेगुलर बेसिस पे तुम्हारे लिए बनाने वाला हूँ, तुम्हें मैं सिखाने वाला हूँ कि लाइक कि कैसे हम वोकैब जो हमें हमारी रहती है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये मैं दो चीज़ों के साथ करवाने वाला हूँ, लाइक एक सेक्शन तुम्हारी रहेगी जहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रीड करवा के समझाने की कोशिश करूँगा कि लाइक कि वर्ड जो है इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उन्हें कैसे सीखा जाता है, और दूसरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हें रूट वर्ड्स के थ्रू तुम्हें वोकैब सिखाना चाहूँ। और टाइम के साथ साथ जैसे ही हम चलते जाएंगे आगे तो मैं तुम्हें कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड सिखाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे रूट वर्ड सिखाऊंगा, ठीक है। नो योर इंग्लिश करके ये एक ऐसी सेक्शन है जहाँ पे मैं तुम्हें इंग्लिश तुम्हारी कितनी नॉलेज है, तुम कितना जानते हो इंग्लिश के बारे में, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो सिखाने वाला हूँ। और अब डेली बेसिस पे तुम्हें ये वीडियोज़ मिलने वाली हैं जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं आते। अब चाहे तुम्हारा फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, जेके पी कॉन्स्टेबल का है, अभी सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ, बट स्टिल तुम्हारा जेके पी एस आई जो अभी रिक्रूटमेंट आएगी, अच्छा आपका IBPS RRB है, IBPS तुम्हारा PO आएगा, क्लर्क आएगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 2-3 मंथ के अंदर अंदर, तो सारे एग्ज़ाम्स SSC CGL का भी एग्ज़ाम तुम्हारा आने ही वाला है ना, सेप्टेम्बर अक्टूबर में आ जाएगा आराम से। तो सारे एग्ज़ाम्स में वोकैब आती ही आती है, और आजकल तो 8 से 9 क्वेश्चन वोकैब सेक्शन से आता है, 3 सेक्शन आते हैं तुम्हारी वर्बल एबिलिटी, ग्रामर एंड वोकैब, तो वोकैब सेक्शन से 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वोकैब बच्चे कर नहीं पा रहे, ईडियम फ्रेजेस बच्चे कर नहीं पा रहे, वही करने वाले हैं आज के क्लास में। और इन क्लासेस का जो नाम तुम्हारे सामने लिख रखे क्या कह रहे हैं, नो योर इंग्लिश, एक सेक्शन ये करने वाले हैं एंड रूट वर्ड्स के थ्रू। तो दो चीज़ें हम मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, और अब बिना टाइम वेस्ट करते हो स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुमने रीड करते जाना, तो मैंने ट्राई करा कि तुम्हारे लिए सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें लेके आऊँ। सुना, सबसे पहले उसने क्या कहा कि इस वाले सेक्शन को रीड करो, एंड रीड करके ना तुमने मेरे को मतलब बताना है एक्चुअल में यहाँ पे वो बोलने की कोशिश कर क्या रहा है, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक लिखा उसने चेफ और एक लिखा उसने चफ, दो वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, और उसने बोला है बताओ उनका मतलब क्या है। ये तुम्हारा ना एक सेक्शन आती है, ये वाली जो सेक्शन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, ये तुम्हारा अगर तुम एडिटोरियल्स रीड करते हो द हिंदू जो अगर तुम पढ़ते हो, तो वहीं पे एक सेक्शन आती है पेज नंबर 11 पे, टेक्स्ट एंड कंटेस्ट करके पेज का नेम है, राइट साइड पे कॉर्नर आता है नो योर इंग्लिश का, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो वाला सेक्शन भी तुम रीड करो ताकि तुम्हारी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो। तो कहता दो वर्ड्स तुम्हारे सामने हैं, चेफ और एक है वर्ड तुम्हारे पास चफ, दोनों वर्ड बोलने में सिमिलर हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले वर्ड की बात करते हैं, CHAFE, चेफ की बात करते हैं। कहता मीन्स टू बिकम इरिटेटेड और इम्पेशेंट, कहता जहाँ कहीं भी चेफ वर्ड दिखेगा तुम इतना समझ लेना कि वो बंदा जो है, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी की तो वो इरिटेटेड है, तो या तो फिर क्या है इम्पेशेंट है, वो सह नहीं सकता चीज़ें, जल्दी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं। कहता जो यू चेफ एट समथिंग और अंडर समथिंग, ठीक है, मतलब कि तुम क्या करते हो, इरिटेट हो जाते हो किसी चीज़ की अंदर, या फिर तुम इरिटेट हो जाते हो किसी चीज़ के लिए, उसे कहा जाता चेफ। तो उसने बड़ी एक अच्छी सी एग्जांपल दी है यहाँ पे, कहता शी चेफ्ड एट द डिले इन द अराइवल ऑफ द ट्रेन, मतलब कि वो इरिटेट हो गया किस वजह से, इन द अराइवल ऑफ द ट्रेन, कि डिले जो हुआ ट्रेन का उसकी वजह से वो क्या हो गया, इरिटेट हो गया। तो कोई तुम्हें पूछेगा चेफ वर्ड का मतलब, तुम क्या बोलोगे, इरिटेट होना। अच्छा, दूसरा उसने बोला चेफ वर्ड जो है इसका एक और मतलब है, कहता ऑल्सो मीन्स कॉज समथिंग टू बिकम सोर बाय रबिंग, कहता रैशेस क्रिएट कर देना, सोरनेस क्रिएट कर देना बाय रबिंग, तो उसे भी क्या कहा जाता है, चेफ। कहता द स्टिफ कॉलर चेफ्ड हिज नेक, तो मतलब ये जो स्टिफ कॉलर था उसने क्या करा, उसकी नेक को रब कर करके, अब देखो रब हो रहा है तो बार बार इरिटेशन हो रही होगी, इरिटेशन होने की वजह से क्या है, रब हो के वो क्या हो गया, सोर सा क्रिएट हो गया, रैशेस क्रिएट हो गए। तो चेफ का एक और मतलब है कि रब कर करके क्या करना, इरिटेट करते हुए, लाइक क्या करना, यहाँ पे रैशेस क्रिएट कर देना, सोरनेस क्रिएट कर देना कहीं भी रब करके। तो यहाँ पे चेफ वर्ड का पहला मतलब इरिटेट होना,
दूसरा मतलब रब करना ताकि वहाँ पे सोरनेस क्रिएट हो जाए, ठीक है। और तीसरा मतलब क्या कहता है चैप का, एक और मतलब यहाँ पे रहता है, कहता है टू रब स्पेशली द स्किन टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। कहता कि चैप का एक और मतलब है कि लाइक कि किसी चीज़ को रब करना ताकि उस चीज़ में दोबारा से वार्मथ या फिर एक सेंसेशन क्रिएट की जा सके। तो कहता है शी चैप्ड द चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट वन इट फिंटेड। तो उसने क्या करा, उसके चाइल्ड के फीट को रब करा, हाथों को रब करा ताकि उसे दोबारा से वो वार्मथ फील्स हो सके जब वो फेंट हुआ। अच्छा, तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पे हमने वर्ड करा सी एच ए एफ ई। तुम बोलोगे इसका मतलब है इरिटेट होना, तुम बोलोगे इसका मतलब है रब करना बट गंदे वे में रब करना कि लाइक कि सोर क्रिएट हो जाए। और कहते चैफ को एक और टर्म की तरह यूज़ कर सकते हो, कहता रब करना बट कैसे रब करना कि लाइक तुम वार्मथ क्रिएट कर लो, ठीक है। अच्छा, फिर तुम्हारे पास एक दूसरा वर्ड आता है चफ, एंड इसका भी सेम देखा जाए थोड़ा बहुत सेम मतलब है। वहाँ पे चैफ का मतलब था इरिटेट होना, अब चैफ का मतलब है तुम किसी को इरिटेट कर रहे हो, किसी को टीज कर रहे हो। कहता है यू चैफ समबडी इन अ गुड नेस्टेड वे अबाउट समथिंग, ठीक है। तो कहता है दे चैफ्ड हर अबाउट हर न्यू ड्रेस, तो उन्होंने उसको टीज करा अबाउट हर न्यू ड्रेस जो थी उसके लिए। तो तुमने कहा चैफ, चैफ वर्ड इरिटेट होना, रब करना या फिर रब करना है गंदे वे में ताकि सोर क्रिएट हो जाए, और चैफ का मतलब यहाँ पे दूसरा वर्ड जो था तुम्हारा सी एच ए डबल एफ, इसका क्या मतलब था, बड़ा सिंपल सा मतलब था यहाँ पे कि लाइक किसी को टीज करना, किसी को परेशान करना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे रीड करते हैं। कहता अब यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा मिस्टर कमत मैंगलोर के हैं, वो जानना चाहते हैं मतलब किसका, तुम्हारा बॉम्ब अलोंग का। तो बॉम्ब अलोंग, अलोंग मीन्स साथ साथ में चलना, बॉम्ब मीन्स कि लाइक एकदम से फट जाना, तो लाइक कि बड़ी जल्दी जल्दी से जाना है ना, तो बड़ा सिंपल समझ आ रहा है। कहता बॉम्ब अलोंग का मतलब क्या रहता है, टू मूव वेरी फास्ट यूजली इन अ व्हीकल इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में बहुत फास्ट ट्रेवल करके जाना, तो बॉम्ब अलोंग। कहता ही बॉम्ब्ड अलोंग द हाईवे एट 100 माइल्स पर आवर, तो मतलब 160 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ वो बॉम्ब अलोंग मीन्स एक डायरेक्शन में गया। कहता मीनिंग बताओ, किसका मीनिंग बताना है। कहता अ स्केल्टन इन अ कपबोर्ड। कहता बड़ा इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे एक उसने ना तुम्हारे idiom phrases आते हैं, तुम्हारे बड़े इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट रहते हैं कि लाइक कि कहता कि बताओ इसका मतलब बताओ, ये ना तुम्हारा स्केल्टन इन अ कपबोर्ड, ये मगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं तो ये लाइक ब्रिटिश के टाइम पे लाइक 17th century या 18th century के टाइम पे, तो तब के टाइम पे जब डिस्कवरीज हो रही थी ह्यूमन बॉडी के बारे में ज़्यादा पता लगाया जा रहा था, तो तब क्या होता था कि लाइक कि पोस्टमार्टम करने के लिए जो बॉडी उनके पास आती थी डॉक्टर्स के पास, तो वो क्या करते थे कि लाइक बॉडी जो थी उसका जो स्केल्टन होता था ना वो अपने पास रख लेते थे ताकि उस पर और ज़्यादा केस स्टडी की जा सके। तो तब के टाइम पे ना एक ये टर्म क्रिएट हुई कि लाइक हर डॉक्टर के कपबोर्ड में एक स्केल्टन पड़ा होता था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक चीज़ जो है स्केल्टन इन अ कपबोर्ड, एक idiom phrase निकल के आता है, इसका मतलब क्या है। कहता है एक फैमिली सीक्रेट और अ स्कैंडल केप्ट कंसील्ड टू अवॉइड शेम एंड डिस्ग्रेस। कहता है एक ऐसा, कहता है ना एक तुम्हारा स्केल्टन है कपबोर्ड में छुपा के रखा है, तो कोई एक ऐसा सीक्रेट जिसे छुपा के रखा हो ताकि वो पब्लिक शेम से हम बच सके इसलिए। तो यहाँ पे कहता है इन अमेरिकन इंग्लिश द वर्ड कपबोर्ड इज रिप्लेस्ड बाय क्लोजेट। तो दो टाइप ऑफ इंग्लिश तुम्हारी रहती है, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश में तुम्हारा लिखा जाता है कपबोर्ड एंड अमेरिकन इंग्लिश में से क्लोजेट कहा जाता है। तो बड़ा सिंपल सा मतलब है, कहता है स्केल्टन इन अ कपबोर्ड का सिंपल मतलब है कि एक ऐसा सीक्रेट जो छुपा के रखा गया हो। यहाँ पे समझना, एक एग्जांपल दिया उसने, कहता राउज हाउस वॉज रेडेड येस्टरडे, ही हैज़ इनफ स्केल्टन इन हिज कपबोर्ड टू कीप द इनकम टैक्स ऑफिशियल बिजी फॉर द नेक्स्ट 3 months। तो कहता है राउ जो हाउस था, ठीक है, उसके घर पे रेड हुई पिछले कल, बट उसके पास इतने स्केल्टन्स थे कपबोर्ड में, लाइक उसके पास इतने सीक्रेट्स थे कि वो बिजी रखा उसने इनकम टैक्स ऑफिशियल को, अगले 3 months तक वो बिजी रख सकता है। तो बड़ा सिंपल सा तुम यहाँ पे सीखते जा रहे हो। कहता वर्ड ऑफ द डे की बात करते हैं, वर्ड ऑफ द डे क्या है तुम्हारा, कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब क्या होता है कि किसी को सिवियरली क्रिटिसाइज़ करना, किसी चीज़ के लिए किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करना है ना, तोहमत लगाना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, सिंपल है। तो सिनोनिम्स क्या आ जाते हैं, रिप्रोच, सेंसर, रिब्यूक, है ना, ये याद रखोगे। बट तुम्हें बोलेगा कास्टिगेट, तो सी से कास्टिगेट, सी से क्रिटिसाइज़, तो बड़ा सिंपल सा बड़ा याद रखोगे। अच्छा एग्जाम्पल दिए उसने, यूजेज करिए इसकी। कहता पार्टीज कास्टिगेटेड
द चीफ मिनिस्टर फॉर हिज रिमार्क. जो भी चीफ मिनिस्टर ने रिमार्क दिया, जो भी चीफ मिनिस्टर ने कहा, तो पार्टीज ने उसे कास्टिगेट करा, तो पार्टीज ने उसे क्रिटिसाइज करा. ठीक है, जो भी पार्टीज थी उसने क्या करा, क्रिटिसाइज करा. बड़ा सिंपल सा वर्ड है कास्टिगेट, तुमने करा आज की क्लास में. बॉम्ब लॉन्ग करा, कहता अ कपबोर्ड, सॉरी स्केल्टन इन अ कपबोर्ड तुमने करा, चफ करा एंड चफ करा. दो वर्ड्स, तीन चार वर्ड्स तुमने सीखे आज की क्लास में. अब ये था तुम्हारा नो योर इंग्लिश का सेक्शन, कि आज की क्लास में ना तुमने ये सीखा कि ये कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट जो हमने जाने. अब उसके बाद हम करने वाले तुम्हारे रूट वर्ड्स. एक वर्ड करवाऊंगा बिल्कुल सिंपल. सुनो, रूट वर्ड का मतलब क्या है कि लाइक एक तुम्हें सिंपल सा वर्ड दूंगा, बड़ा छोटा सा वर्ड होगा, एंड उस वर्ड से ना बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो फदर निकलते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो सारे के सारे सिमिलर मीनिंग देते हैं. मतलब तुम्हें एक वर्ड करने से तुम 10 वर्ड सीख सकते हो. जैसे लाइक एक वर्ड की अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्पेक्ट, एक वर्ड लिख रहा हूँ स्पेक्ट. स्पेक्ट का मतलब होता है किसी को देखना, है ना, किसी को एग्जामिन करना. तो जैसे इंट्रोस्पेक्ट आएगा, एक्सट्रोस्पेक्ट आएगा, तुम्हारा रिट्रोस्पेक्ट आएगा, स्पेक्टेट आएगा, स्पेक्टेकल आएगा. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब का मतलब देखना, एग्जामिन करना ही होगा. तो ये भी वर्ड सिखाऊंगा, बट जो आज की क्लास में हम वर्ड्स करने वाले हैं पहले उनके बारे में जानते हैं. कहता सबसे पहला वर्ड जो मेरे पास आ रहा है वो वर्ड है डोल. सबसे पहला वर्ड मेरे पास जो आ रहा है वो वर्ड है डोल. और डोल कहता जहाँ कहीं भी तुम्हें कोई ऐसा वर्ड दिखे जहाँ पे डोल लिखा हो, तो कहता डोल लिखा होगा तो वहाँ पे एक ही मतलब होगा, सैडनेस या फिर पेन. कहता वहाँ पे दुख होगा, पेन होगा, बस ऐसी ही बात चल रही होगी, या फिर वो डूबता जा रहा होगा, गिरता जा रहा होगा, दुख होगा, पेन होगी, बस डोल वर्ड दिखना चाहिए. तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा उसने डोलफुल. कहता डोलफुल वर्ड जो है इसको एज अ एडजेक्टिव यूज़ करो. कैसा, एज एडजेक्टिव यूज़ करो, मेरे नाउन की क्वालिटी बताने के लिए यूज़ करो. कहता डोल, डोल फुल का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बड़ा भावनात्मक हो, है ना, एक पेनफुल एक्सप्रेशन, एक पेनफुल शोइंगनेस, तुम्हें दिखा रहा है कि पेन है. ठीक है, एक पेनफुल मैनर में दिखाना, या एक वॉइस, ऐसी वॉइस में बोलना जो बड़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो, तो डोलफुल वॉइस. तुम बोलोगे डोलफुल वॉइस तो बड़ी रोने वाली वॉइस जो रहती है कि लाइक रोते रोते हुए बात कर रहा है, तो डोलफुल वॉइस थी, धीमी आवाज़ थी, डोलफुल एक्सप्रेशन था, तो मतलब एक बड़ा भावनात्मक एक्सप्रेशन था, पेन वाला एक्सप्रेशन था. तो उसने यहाँ पे एग्जांपल दी, कहता ही गेव मी अ लॉन्ग डोलफुल लुक. लाइक होता है ना कि लाइक कि तुमने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा है, ठीक है, घर में छोटा सा बच्चा है, एंड घर वालों ने कोई चीज़ लेके आए, बड़े बच्चे को दे दी, छोटे को नहीं दी. अब छोटा बच्चा जब गुस्सा हो जाता है, और तब के टाइम वो जो एक्सप्रेशन दे रहा होगा, देख रहा होगा कि मेरे को नहीं दिया, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा डोलफुल एक्सप्रेशन होगा, कि फुल ऑफ पेन. ठीक है, तो डोलफुल, तो डोल मीन्स जहाँ भी दिखा पेन. अच्छा, फिर वहीं पर डोल से और बड़े सारे वर्ड्स आएंगे. कहता डोल ड्रम्स, तुमने सुना होगा डोल ड्रम्स. देखो डोल ड्रम्स तुम्हारा एक ज्योग्राफी में भी टर्म्स आती है, है ना, डोल ड्रम्स तुम्हारी ज्योग्राफी में भी टर्म आती है, बट इंग्लिश में डोल ड्रम्स की बात करूंगा तो तुम क्या बोलोगे, डोल दिखा तो मतलब पेन. कहता अनसक्सेसफुल और शोइंग नो एक्टिविटी और डेवलपमेंट. कहता जहाँ पे कोई भी तुम्हें डेवलपमेंट नहीं दिख रही होगी, कहता जहाँ पे वो बंदा बड़ा अनसक्सेसफुल होगा तो पेन में होगा, तो मतलब वो गिरावटी, उसमें गिरावट आएगी, उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, फिर उतरेगा, फिर चढ़ाव, थोड़ा सा मतलब कि उसकी ना ज़िंदगी स्टेबल नहीं चल रही होगी, पॉजिटिव नहीं चल रही होगी, नेगेटिव ही होगी. तो नेगेटिव सेंस आएगी, पेन वाली सेंस आएगी, तो डोल ड्रम्स. कहता हर करियर वॉज इन द डोल ड्रम्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स. तो कहता उसका जो करियर था ना वो डोल ड्रम्स में था. लाइक उसका करियर जो था वो पेनफुल एक फेज में था, कब, पीछे कुछ रिसेंट ईयर्स में. तो कहता डोल ड्रम का एक और मतलब होता है कि सैड, या बिना एनर्जी के, या बिना एंथुसियाज्म के, मतलब डोल ड्रम्स में है तो बड़ा ज़्यादा सैडनेस में है, बड़ा ज़्यादा पेन में है. कहता कंडोलेंस, बड़ा सिंपल सा वर्ड डाल दिया, डोल दिखा, डोल दिख रहा, डोल से पहले कन लगा दी, कंडोलेंस मीन्स अब वो सिंपति देगा. ठीक है, कोई बंदा अगर दुख में है, कंडोलेंस, उसे सिंपति देना. कहता कंडोलेंस का मतलब क्या है, सिंपति देना. व्हेन यू ऑफर और एक्सप्रेस योर कंडोलेंस टू समवन, यू एक्सप्रेस सिंपति फॉर देम बिकॉज वन ऑफ देयर फ्रेंड्स रिलेटिव हैज डाइड और रिसेंटली. तो बड़ा फ्रेंड रिलेटिव मर गया हो या कुछ हो गया, तो तब के टाइम पर जो सहानुभूति, सिंपल कंडोलेंस की बात करें तो सहानुभूति जो दी जाती है. तो कहता हर एक्सप्रेस ही सॉरी ही एक्सप्रेस हिज कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ द पीपल हु डाइड इन द इंसिडेंट. तो जो इंसिडेंट में, वहाँ इंसिडेंट में मरे थे, ठीक है, तो उस उनकी फैमिलीज को क्या करा, उसने कंडोलेंस दी, लाइक उसने सिंपति दी. सिंपल ये चीज़ें याद रखना. डोल देख रहे हो, तुमने डोल ड्रम करा, पेन सैड, तुमने डोलफुल करा, तुमने कंडोलेंस करा, दुख में था, तुमने क्या करा, उसे सिंपति दी.
अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड आता है तुम्हारा इंडोलेंट, कहता है इंडोलेंट समवन हु इज इंडोलेंट इज लेजी। कहता है इंडोलेंट बंदा, अगर इंडोलेंट की बात करूँ तो ऐसा बंदा जो बड़ा ज़्यादा लेजी हो ना, जो काम करता ही ना हो, पॉजिटिव सोचता भी ना हो, पॉजिटिव तुम्हारा एक नेगेटिव फेज में ही चलता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, तो उसे इंडोलेंट कहता है, जो उठना ही ना चाहता हो। कहता है इंडोलेंट टीनेजर्स हु वॉन्ट लिफ्ट अ फिंगर टू हेल्प। कहता है ऐसे टीनेजर्स जो बड़े ज़्यादा इंडोलेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा लेजी, जो एक फिंगर तक उठाते नहीं ताकि वो किसी की हेल्प कर सके, जो पेन में उसकी हेल्प कर सके, तो इंडोलेंट। और इसको एज अ एडजेक्टिव ही यूज़ करेंगे ताकि हमारे नाउन की क्वालिटी बता सके। अच्छा कहते हैं दे वर इंडोलेंट एंड एडिक्टेड टू अ लाइफ ऑफ प्लेजर। कहते वो लेजी था और ऐसी लाइफ के लिए एडिक्टेड था जो प्लेजर वाली थी, तो इंडोलेंट लेजी। तो यहाँ फिर तुम क्या बोलोगे, ऐसे पर्सन इंडोलेंट पर्सन, लाइक कि ऐसे पर्सन जो हेल्प ना करते हो किसी की अगर वो दुख में भी है, तो इंडोलेंट, जो हेल्प करना ही ना चाहता हो। फिर तुम्हारे सामने एक और रूट वर्ड, तो तुमने सबसे पहले डोल वर्ड करा और डोल से तुमने डोल ड्रम्स सीखा, पेन सैड, तुमने सीखा डोलफुल पेन सैड एक्सप्रेशन, तुमने सीखा यहाँ पे इंडोलेंट, तुमने सीखा कंडोलेंस, तो ये कुछ वर्ड्स तुमने सीखे डोल के रिलेटेड। अब करते हैं यहाँ पे एक और वर्ड, और वर्ड है तुम्हारा बर्ड्स। कहता जहाँ कहीं भी तुम्हें दिखेगा बर्ड्स, वहाँ पे वो टर्म जो है वो रिलेटेड होगी किसके, मनी के, पैसों के रिलेटेड जो भी टर्म होगी, ठीक है, तो वो बर्स वर्ड जो है वो तुम्हें सेंस देगा वहाँ पे। कहता बर्सरी, बड़ा सिंपल सी बात है, बर्सरी कहता एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जो एक पर्सन को दी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सच एज यूनिवर्सिटी, टू पे फॉर देम टू स्टडी। लाइक सिंपल सी बात करते हैं, बर्सरी इज इक्वल टू स्कॉलरशिप, कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए पैसे ताकि बच्चा जो है वो क्या कर सके, अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू कर सके। तो बर्स लिखा, बर्स दिख गया ना, तो बर्स मीन्स मनी, बट बर्सरी इज दैट मनी दैट इज गिवन बाय यूनिवर्सिटी और एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ पर्सन, जो कि वहाँ पे जो एक स्टडी वो अपनी कंटिन्यू कर सके। बड़ी सिंपल सी बात है। कहता बर्सर, बर्सर वो होगा, ठीक है, बर्सर वो होगा जो जो पैसे देगा, बर्सरी तो है ना पैसे, लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन दिए, ठीक है। कहता बर्सर कौन होगा जो पैसे देगा या फिर पैसों के मैटर में डील करेगा, तो कहता अ पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ कॉलेज और स्कूल। अच्छा रीइंबर्स, बर्स भी यहाँ भी दिख रहा है, बर्स दिखा तो मनी रिलेटेड है, री मीन्स दोबारा से देना, तो कहता रीपे, दोबारा से रीपे करना। तुमने बोला बर्सरी, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई मनी, तुमने बोला रीइंबर्स, वो अलग चीज़ है, तुमने बोला बर्सर, बर्सर जो पैसे देता है, ठीक है, जो पैसे देता है या फाइनेंशियल मैटर्स में डील करता है, और तुम्हारे सामने आता है रीइंबर्स की मीन्स दोबारा से रीपे करना। कहता यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा तुम्हें, कहता पर्सन हु हैज स्पेंट और लॉस्ट हिज मनी, और उसको तुम दोबारा से रीपे कर रहे हो, दैट मीन्स रीइंबर्स। एग्जांपल दिए उसने, कहता द कंपनी विल रीइंबर्स यू फॉर योर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो कहता जितने भी तुम्हारे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस रहे हैं, तो कंपनी तुम्हें रीइंबर्स करेगी, तुम्हें कंपनी जो है वो रीपे करेगी जितने भी तुम्हारे ट्रेवल के एक्सपेंसेस रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक सेकेंड बात करते हैं आगे तुम्हारे एक और वर्ड की, और वर्ड है तुम्हारा कल्प, वर्ड है तुम्हारा कल्प। कहता कल्प मीन्स जहाँ भी कल्प दिखेगा, कल्प तुम बोलोगे किसी को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, या खुद पे ब्लेम ले रहे हो, या मतलब ब्लेम शो करना, सिंपल किसी पे तोहमत लगाना, सिंपल है ब्लेम डालना। कहता कल्पेबल, कहता जिस पे ब्लेम लगाया जा सके। चोरी करी है, घर में दो भाई हैं, तो लाइक कि एक भाई ऐसा जो थोड़ा सा मतलब कि दूसरे चीज़ें, मतलब गंदी बुरी चीज़ें करता है, लाइक नशे करता है, तो वो बंदा जो होगा ना ज़्यादा शक किस पे जाएगा, उस बंदे पे जाएगा जो ऐसा होगा पहले ही। तो कल्पेबल मीन्स जिस पे शक किया जा सके, जिस पे ब्लेम लगाया जा सके। तो कल्पेबल कहता डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड और कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड। एग्जाम्पल कह रहा है, ही वॉज हेल्ड कल्पेबल ब्लेम्ड फॉर ऑल दैट हैपन्ड। कहता कि उसे जो है वो दोषी ठहराया जा सकता है जो भी हुआ उसके लिए। तो कल्पेबल मीन्स जिसे दोषी ठहराया जा सके, डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड। अच्छा कल्प्रिट, कल्प दिखा, देखो कल्प दिखा तो तुमने बोला ब्लेम, बट कल्प्रिट, ठीक है, जिसने कुछ गलत किया हो, ठीक है, जिसने जिस पे ब्लेम लगाया जा सके, कल्पेबल जिसने कुछ गलत किया हो, कल्प्रिट अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम और अदर मिसडीड, जिसने कुछ गलत करा हो, तो जिस पे तुम्हारा जो है तोहमत लगाई सके, ब्लेम लगाया जा सके, कल्पेबल, और जिसने कुछ गलत करा हो, कल्प्रिट।
एग्जाम्पल दे रही है उसने, कहता पुलिस हैव सो फार फेल्ड टू फाइंड द कल्प्रिट्स, तो पुलिस जो है अभी तक फेल हुई है किसको फाइंड करने में, कल्प्रिट्स को फाइंड करने में, लाइक कि तुम्हारे जो जिसपे जो ब्लेम्ड पर्सन है, जिसपे ब्लेम लगाया जा सकता है, कल्पेबल है, एंड कल्प्रिट मीन्स जिसने वो गलती करी है, जिसने चोरी करी है, जिसने कुछ मिसडीड करी है, जिसने क्राइम करा है, तो दैट मीन्स कल्प्रिट, और कल्प्रिट को फाइंड करने में पुलिस अभी तक फेल है. कहता इनकल्पेट, इनकल्पेट मीन्स एक्यूज या ब्लेम. इनकल्पेट बड़ा सिंपल सा बात है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनकल्पेट की एक्यूज और ब्लेम, किसी को एक्यूज करना, किसी पे ब्लेम लगाना. यहाँ तुम्हें सिंपल सा बताऊं कि इनकल्पेट वही दोषी जिसपे ब्लेम लगाया जा सकता है, बड़ी सिंपल सी बात है. जिसपे दोष लगाना चाहता हो कोई, ऐसे उस पर एज इसको एज अ वर्ब यूज़ करेंगे कि जिसपे दोष लगाना कोई चाहता हो, दोष लगाया जाना चाहता हो, तुम सिंपल बोलोगे. कहता ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ बट ऑल्सो इनकल्पेटेड हिज फाइनेंस, एज अ वर्ब यूज़ करेंगे. कहता उसने खुद को ब्लेम करा, बट ऑल्सो उसी ने ही क्या करा था, इनकल्पेट मीन्स उसी ने ही वो फाइनेंस जो था उसका डिस्टर्ब करा था या इनकल्पेट करा था कि लाइक क्राइम करा था, सिंपल समझना. कहता इनकल्पेट का मतलब होता है इनक्रिमिनेट, समवन प्लेस द पिस्टल इन योर रूम इन ऑर्डर टू इनकल्पेट यू, किसी ने तुम्हारे रूम में पिस्टल रख दी ताकि वो तुम पे दोष लगाया जा सके. ठीक है, कहता उसने खुद को ब्लेम करा, बट ऑल्सो उसी ने ही फाइनेंस को इनकल्पेट करा था, उसी ने चोरी करी थी, उसने जो था वो ब्लेम या उसने जो क्राइम करा था. कहता ही समवन प्लेस द पिस्टल इन योर रूम, किसने तुम्हारे रूम में पिस्टल रखी ताकि तुम्हें वो क्या किया जा सके, तुम्हें उस चीज़ के लिए ब्लेम जो है वो दिया जा सके, तो इनकल्पेट. कहता एस्कल्पेट टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को उस ब्लेम से उस गिल्ट से बाहर निकालना एक्सकल्पेट, और किसी को उस ब्लेम में लेके आना, उस पे क्राइम थोपना, दैट इज इनकल्पेट. कहता द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट वॉज श्योरली बी एक्सकल्पेटेड व्हेन ऑल द फैक्ट्स आर नोन, कहता जो पायलट था एयरक्राफ्ट का उसे श्योरली उसे रिलीज कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा ब्लेम से, क्योंकि जब भी उनके सामने जो है वो फैक्ट्स आएंगे. तो तुमने अभी करा था कल्प, कल्प करा. अच्छा, उसके बाद एक वर्ड और करते हैं तुम्हारा, वर्ड का तुम्हारा है क्या, पैन. कहता जहाँ कहीं भी पैन दिखेगा, पैन का मतलब होता है सब, पैन का मतलब होता है सब. ठीक है, पेनिशिया तुमने सुना होगा, लाइक कि तुम्हारा पहले एक कॉन्टिनेंट रहता था. ठीक है, तो कहता पैन, कहता पेनिशिया, पेनिशिया मतलब होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसी रेमेडी जो सारी डिफ़िकल्टीज, सारी प्रॉब्लम्स, सारी डिजीज़ पे काम करती हो. तो कह रहा है यहाँ पे तुम्हारा, कहता टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पेनिशिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स, तो टेक्नोलॉजी जो है इज़ नॉट मीन्स की अ रेमेडी, इज़ नॉट अ रेमेडी फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स. यहाँ सारी रेमेडी नहीं बोल सकते, सब कुछ नहीं बोल सकते, हमारी प्रॉब्लम्स की रेमेडी पेनेशिया नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है. तो टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पेनेशिया अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर आवर प्रॉब्लम्स, तो सिंपल पेनेशिया. कहता पेनार्की, पेनार्की कहता एक ऐसा रूल या ऐसा ग्लोबल रूल जो पूरी देश पे लागू होता हो, पूरे वर्ल्ड पे लागू होता हो, बड़ी सिंपल सी बात है. कहता एन ओपन ग्लोबल, क्योंकि ऑल की बात कर रहे हैं तो पेनार्की मीन्स सब पे लागू होगा जो रूल. कहता एन ओपन ग्लोबल रूल लॉ दैट अप्लाइज टू दोज हु सिलेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन दे आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट्स ऑफ देयर ऑन लैंड और सिस्टम और गवर्नमेंट बट ऑफ द पेनार्की, मतलब जो सब पे लागू होता हो, पूरे वर्ल्ड पे लागू होता हो, दैट मीन्स पेनार्की. वैसे बड़े सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है, पेनार्की आता है तुम्हारा, फिर तुम्हारा टायरनी आता है तुम्हारा, उसके बाद डेमोक्रेसी आता है, तो ये बड़ी ऑटोक्रेसी आता है, अरिस्टोक्रेसी आता है, तो ये कुछ टर्म्स हैं. ठीक है, फिर लाइक तुम्हें मैं बताऊंगा पेनार्की आता है, पेट्रियार्की आता है, मैट्रियार्की आता है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये भी तुम्हें सिखाऊंगा. बट आगे चलेंगे, पहले तुम बेसिक बात करते हैं, पैन की बात कर रहे हैं. तो पेनेशिया रेमेडी और सोल्यूशन सबका, ठीक है, और बात कर रहा हूँ अगर पेनार्की की, तो एक ऐसा रूल जो सब पे लागू होता हो. अच्छा, उसके बाद तुम्हारा आता है पैंडमिक. तो पैंडमिक मीन्स एक ऐसी डिजीज़ तो जो हर जगह फैली हो. तो पैन दिखा तो ऑल, तो पूरे वर्ल्ड में जो फैली हो, प्रिवेलेंट हो, पैंडमिक. एपिडेमिक क्या होता है, एक ऐसी डिजीज़ जो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट करती है, या एक कम्युनिटी को इफेक्ट करती है, एक पर्टिकुलर रीजन की पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है. लाइक कि मैं अगर जम्मू की बात करूँ तो जम्मू रीजन में ही वो तुम्हें देखने को मिलेगी, तो वो क्या होगा तुम्हारा एपिडेमिक. कहता है एंडेमिक क्या होता है कि एक कंट्री, ठीक है, ए पर्टिकुलर पीपल जो है पूरी कंट्री में तुम्हें एंडेमिक देखने को मिलता है. पैंडेमिक सुना, पैंडेमिक तुम्हें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, क्योंकि पैन का मतलब ऑल है,
तो हर जगह देखने को मिलेगा। एंडेमिक तुम्हें एक कंट्री में देखने को मिलता है, एपिडेमिक तुम्हें एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर रीजन ऑफ पीपल या कम्युनिटी को देखने को मिलेगा। और पैंडेमिक दोबारा से बता रहा है, कहता है इज़ एन एपिडेमिक दैट इज स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज या पूरे वर्ल्ड में हो। कहता है पेनसोफी, पेनसोफी का मतलब क्या है, यूनिवर्सल विजडम और नॉलेज, जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो, यूनिवर्सल नॉलेज होना, विजडम होना इज़ नोन एज पेनसोफी, हर चीज़ के बारे में पता होना पेनसोफी। सिंपल है, तुमने पैंडमिक करा, एपिडेमिक करा, एंडमिक करा, तुमने पेनसोफी करा, तुमने पेनिशिया करा, तुमने पेनार्की करा, सारी चीज़ों का मतलब एक ही था ऑल और सब। अगर बात करता था पैंडमिक की, तो ऐसी डिजीज़ जो हर पूरे वर्ल्ड में फैली हो। पेनार्की की बात करूँ तो ऐसा रूल जो हर जगह लागू होता हो। बात करूँ तुम्हारी मैं यहाँ पे पेनिशिया की, तो एक ऐसी रेमेडी जो हर चीज़ के लिए काम करती हो, हर डिफ़िकल्टी के लिए काम करती हो। तो बड़ा सिंपल सा था। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं तुम्हारा लास्ट रूट वर्ड की आज की। कहता है एम्बी, कहता है जहाँ कहीं भी एम्बी दिखेगा ना, तो एम्बी का एक ही मतलब है बोथ। तुम बोलते हो ना कि लाइक यार ये इंट्रोवर्ट है, तुम बोलते हो जो बड़ा चुप चुप रहता हो इंट्रोवर्ट है, तुम बोलते हो जो बड़ा बातें करता हो एक्स्ट्रोवर्ट है, तुम बोलते हो जो चुप भी रहता हो बातें भी करता हो, लोगों के सामने बातें करते हैं बट खुद अकेले रहते हैं। एम्बीवर्ट, जो दो नेचर शो करता हो, जो चीज़ें दो हो, बोथ बोथ सिंपल समझना। मैं कहता एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो स्किलफुली अपने दोनों हाथों को यूज़ कर सकता हो, दोनों हाथों को अच्छे से बराबर यूज़ करता हो। एम्बीडेक्स्ट्रस। कहता फ्यू ऑफ अस आर नेचुरली एम्बीडेक्स्ट्रस, तो हम में से कुछ लोग जो हैं वो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं, लाइक स्किलफुली दे यूज़ बोथ हैंड्स टू राइट और डू समथिंग एल्स। सिंपल याद रखना कि दोनों हाथों से लिख सकना, दोनों हाथों से कोई काम कर सकना, तो एम्बीडेक्स्ट्रस। कहता एम्बिगियस, एम्बिगियस एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करोगे। एम्बिगियस का मतलब क्या होगा, इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज एम्बिगियस यू मीन दैट इट इज़ अनक्लियर और कन्फ्यूजिंग। कहते जिसके दो मतलब हूँ, बोथ की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दूँ, लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो कैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है बट तुम्हारे एग्जाम में नहीं आती। अब तुम सोचोगे यार इंपॉर्टेंट है करूँ, एग्जाम में नहीं आती ना करूँ, तो एक ऐसी स्टेटमेंट, एम्बिगियस स्टेटमेंट मीन्स कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो अनक्लियर हो, जो दोनों साइड हो, लाइक ना यहाँ के बचे ना यहाँ के बचे, तो एम्बिगियस। तो तुम सिंपल बोलोगे कि एम्बिगियस का मतलब क्या है, इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज एम्बिगियस यू मीन दैट इट इज़ अनक्लियर और कन्फ्यूजिंग बिकॉज इट हैज़ इट डजेंट अंडरस्टूड बाई एनीवन एल्स, इट हैज़ टू मीनिंग्स। सिंपल कहता हिज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन वॉज समवट एम्बिगियस, उसका जो रिप्लाई था मेरे क्वेश्चन के लिए वो एम्बिगियस था, लाइक कि उसकी जो स्टेटमेंट उसने दी, जो उसने आंसर दिया वो डबल था, मैं समझ नहीं पाया ना ये इतना ये कोई भी मतलब समझ नहीं पाया। कहता द वर्डिंग ऑफ द एग्रीमेंट इज एम्बिगियस, जो वो एग्रीमेंट लिख रखा था, जो एग्रीमेंट था मेरे सामने, उसकी जो वर्डिंग थी वो एम्बिगियस थी, अनक्लियर थी, ना यहाँ समझ की आ रही थी ना यहाँ की समझ आ रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं तुम्हारे एम्बीवर्ट, सिंपल सॉरी एम्बीवेलेंट की बात करते हैं। कहता फीलिंग ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट क्या बोल रहा है, फीलिंग ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल दैट यू लाइक देम एंड डिसलाइक देम। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, सुनो, तुम्हारा हो गया ब्रेकअप, तुम्हें लड़की छोड़ के चली गई, तुम क्या करते हो कि लाइक कि यार अब वो तुम्हें चाहिए भी और तुम्हें वो नहीं भी चाहिए, ठीक है, तुम उसको पसंद भी करते हो और तुम चाहते हो वो नहीं आए, डिसलाइक भी करते हो, है ना, लिंक कर गए हो ना इस बात से, तो बड़ी अच्छी सी बात है। कहता है एम्बिवेलेंट का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट फीलिंग्स, ठीक है, शो करना किसी चीज़ के लिए किसी के लिए। कहता है शी रिमेंड एम्बिवेलेंट अबाउट हर मैरिज, तो मतलब वो दो फीलिंग्स थी उसके अंदर कि लाइक कि शादी मेरे को करूँ या ना करूँ, ठीक है, एम्बिवेलेंट, एन एम्बिवेलेंट एटीट्यूड टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करूँ फ़ायदा है ना करूँ तो कोई फ़ायदा है या नहीं है, तो एम्बिवेलेंट मीन्स दो डिसीजन होना, समझ ना पाना कि यहाँ क्या जाऊँ यहाँ क्या जाऊँ, पसंद भी करता हूँ करना नहीं भी करता हूँ करना, तो ये दोनों चीज़ें। यार पढ़ने का पता, यार पढ़ना ना, पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना, बट यार पढ़ने में दुख होता है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो लाइक कि ऐसी स्टेटमेंट एम्बिवेलेंट मीन्स पसंद भी करते हो डिसलाइक भी करते हो, दोनों चीज़ें साथ में, तो बोथ की बात करें तो दो चीज़ें साथ में होने वाली हैं। फिर कहता है एम्बिवर्ट, एम्बिवर्ट का क्या मतलब बताया उसने तुम्हें, कहता इंट्रोवर्ट भी हो जो एक्स्ट्रोवर्ट भी हो जो, बड़ी सिंपल सी बात है। कहता एन एम्बिवर्ट टिपिकली इंजॉयज अदर पीपल बट नीड्स टाइम अलोन, तो एम्बिवर्ट एक ऐसा पर्सन है जो दूसरे बंदों के साथ तो बड़े अच्छे से घुल मिल के बात करते हैं
बट जब अकेला होता है तो उसे अकेला रहना पसंद है। तो एम्बीवर्ट मीन्स जो इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो। तो आज की क्लास में तुमने नो योर इंग्लिश वाला सेक्शन अपना करा, तुमने साथ में अपना रूट वर्ड सीखे पाँच छः, बस बर्स मनी, अच्छा एम्बी बोथ, पैन ऑल, अच्छा उसके बाद तुमने करा डोल सैड पेन। तो ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो देखोगे चीज़ें सब समझ आ जाएंगी, ठीक है। और ऐसी ही डेली तुम बेसिस पे तुम्हें इंग्लिश में अब करवाने वाला हूँ, वोकैब करवाने वाला हूँ। और यही नो योर इंग्लिश एंड रूट वर्ड्स, धीरे धीरे मैं तुम्हें बाकी सेक्शंस पे भी लेके जाऊँगा, तुम्हें नए नए ईडियम फ्रेजेस सिखाऊँगा, नई नई वोकैबलरी सिखाऊँगा। तो बस ऐसे ही जुड़े रहो और वीडियोज़ लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।